दोस्तों, मैं साउ साउ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक में परफॉर्मेंस देखेंगे और वो आने वाला समय में कैसे रहेगा परफॉर्मेंस, उसके बारे में बात करेंगे। जो स्टॉक का नाम है विप्रो, आप देख रहे हो विप्रो कंपनी आईटी सेक्टर का अच्छा कंपनी है। इस कंपनी में कैसे रहेगा मोमेंट, क्या कौन सा लेवल पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कौन सा लेवल पर लगा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये रहा विप्रो का चार्ट। विप्रो चार्ट में हम पहले वनडे कैंडल देखेंगे। वनडे कैंडल इसलिए देखते हैं कि आप पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा रहता है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा वनडे कैंडल में किस तरह मूवमेंट देता है। तो ये रहा मूवमेंट, जो 212 पे अभी क्लोजिंग दिया है, 13 पॉइंट मूव दिया था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था विप्रो कंपनी। तो विप्रो कंपनी में अगर इंट्राडे प्लेयर है उनका बारे में बात करेंगे। पहले पोजिशनल ट्रेड में कैसे रहेगा, कौन सा लेवल का आप पोजिशन बना सकते हैं वो सुनिए। तो 200 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा विप्रो में, और 212 का जो अभी चल रहा है मार्केट में, कम से कम आप टारगेट बना सकते हो 240 तक आप टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्विंग बना है ये देख सकते हैं, ये स्विंग 230 के पास है, 230 टू 240, तो वही स्विंग के पास आप टारगेट बना सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं। इंट्राडे ट्रेड वाले क्या करेंगे ना, एक घंटा का चार्ट लगाएंगे। एक घंटा का चार्ट में आप देख सकते हैं अपर बोलिंजर बैंड को क्रॉस करके रखा है। अभी लेने से रिस्क हो जाते हैं, अगर यहीं से ब्रेकआउट देते हैं तभी भी ये ओवरबॉट कहा जाएगा। तो RSI देखिए 83 के पास है, यानी ओवरबॉट जोन में। आप कब लेना है कि 200 के पास आने से, 200 के पास आने से इंट्राडे प्लेयर आप ले सकते हैं, और नीचे का जो 190 का आप स्टॉप लॉस लगा के एक पोजिशनल एक ट्रेड बना सकते हैं। तो ये है इंट्राडे प्लेयर बना सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेड वो अभी भी ले सकते हैं और 200 के पास भी ले सकते हैं, किंतु आपका टारगेट रहेगा 240 के पास। ये रहा विप्रो चार्ट का। जो अगर वन मंथली चार्ट देखेंगे आने वाला समय में कैसे रहेगा, अगर मंथली चार्ट देखेंगे वो आप देखने को मिलेगा कि एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ये रहा विप्रो चार्ट का मंथली कैंडल। मंथली कैंडल में देखिए कहाँ से 300 से गिरावट होके ये अभी 180 तक लो बनाया है, तीन बार इसी जगह में रुका है और 160 लो बना के यहीं पर सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पर एक रिवर्स मारा है, मई मंथ में अच्छा रिवर्स मार दिया है, तो 150 से 50 पॉइंट अभी तक बढ़ चुके हैं। तो मंथली कैंडल में आप वही है, अगर मेन जो आपका सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 160 के पास, 160 आपका सपोर्ट जोन रहेगा, और 200 रहेगा सपोर्ट, और टारगेट रहेगा 240 टू 250 तक आप टारगेट बना सकते हैं। वो आने वाला समय में भी आईटी सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी लॉकडाउन टाइम में सारे कंपनी बंद थे, तो इसी के चलते सारे कंपनी में थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो आने वाला समय जैसे लॉकडाउन खुल जाते हैं तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा सारा आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर स्टॉक में। तो अभी जो बात कर रहे हैं विप्रो स्टॉक के बारे में, तो विप्रो स्टॉक में यही है जो हम दिए हैं टारगेट और स्टॉप लॉस, उसी को आपको फॉलो करके मूवमेंट देख सकते हैं। तो वनडे कैंडल हमेशा देखिए, वनडे कैंडल में आपको पोजिशनल ट्रेड करने के लिए आपको ज़्यादा आसान बनेगा, और मंथली कैंडल वो भी आप देखिए वहाँ किस मंथ में मूवमेंट आएगा, कि वहाँ पर ब्रेकअप दे रहा है, कौन सा लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने वो भी देखना जरूरी है। तो जब भी आप इंट्राडे प्लेयर बनते हैं, इंट्राडे खेल लेते हैं, तो आपको कम से कम 30 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, 30 मिनट और एक घंटा, ये दो चार्ट देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉक में ओवरबॉट आ रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है, किस लेवल पे है, तो उसी लेवल के आसपास आप बाय और सेल मार सकते हैं। अगर यहाँ से भी सेल मारते हैं तो आप 200 का टारगेट भी आराम से बना सकते हैं। अगर यहीं से अगर ब्रेकआउट देते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको 200 को स्टॉप लॉस लगा के चलना है। हमेशा ट्रेड करते समय आपको स्टॉप लॉस को ध्यान देना है, स्टॉप लॉस ही आपका सेफ्टी करता है, आपका पैसा को सेव करता है। यह रहा विप्रो का चार्ट। विप्रो का यही है स्ट्रैटेजी, आप इसको फॉलो करके आगे का टारगेट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।